मात्राएं। हमें भी फिर दुख होता है ना, आप जब रोती हैं तो कोई भी हमारे साथ रोती है। अम्मी बात करें, अम्मी हमारी प्यारी अम्मा जान ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया क्योंकि इस टाइम गंद हो जाता है, टोका जो करते हैं। अम्मी ने सोचा क्यों ना मैं झाड़ू लगा लूं। हाँ तो सही बात है, ऐसा ना कैसे अच्छा गंदा लगेगा। हाँ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसे साफ कर लूं। जी जी और मैं पानी लगा रहा हूँ पौधों को। हाँ अभी पानी चल रहा है। हाँ जी आप लगा दो फिर उधर पर कम आएगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सही ठीक हैं, घर में चला सब ठीक ठाक हैं। लेकिन मेहरबानी है, शाम का टाइम हो गया, वीडियो का टाइम शुरू हो गया, तो माशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे बहन भाइयों के लिए। हाँ जी तो काम कार भी कर रहे हैं साथ साथ। हाँ जी गप शप भी लगा रहे हैं। हाँ हमें बात याद आ गई, आज इनकी बारात क्यों नहीं आई? कल आएगी, मैं रात बोला नहीं, मंगल बारात आएगी, बहुत दूर वाली में होगा। अच्छा हम सब हमें तो कल से यही लग रहा था कि आज बारात आनी है, आज आनी है, आज कल शुरू है शादी। नहीं नहीं आज नहीं आई, कल है। अच्छा अच्छा कल बारात आनी है, कल आनी है। अच्छा वो खाला भी नहीं आई, खाला तो बताती ना वहाँ कौन मेहमान आए हुए हैं। वो नहीं, तो नहीं अभी तीसरा दिन है, कोई भी नहीं आया, शादी में मसरूफ है। शाम को हाँ हाँ दूध ही पीने खाना ही खाता है, इधर डेली आता। हाँ वो तो रोजाना आता है, तो ब्याह खाला नहीं। अच्छा वो अपने घर दर सहन बना रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। हाँ हाँ बारात जो आनी है उनके घर भी आ जाएगी। हाँ तो साफ जाहिर है, अपने घर सफाई कर रहे हैं, सजा रहे हैं। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब हो जाएगा। ओ ये देखें वो किधर आ गया, तत्ती जमीन पर वो खेल रहा है। साकेब इतनी गर्म जमीन है यार मेरा, ये सारी गर्म है दे। बड़ा शरारती है, खोती हमारी घास खा रही है, इसको छोड़ देते हैं ना इस टाइम के। चलो घूम फिर के घास खाए तो जल्दी बड़ी होगी, जल्दी बढ़ जाएगी। खा लो खा लो, मजे का घास है, खा लो। बच्चों को ना मैं खाल वंडा डालती थी। अच्छा तो उधर उनके साथ मिलके खा लेती थी। अच्छा आज जो मैं खोल के गई ना तभी बस जाने लगी, उन्हें की खुरली पे पहुंच गई। हाँ। आगे देखे तो ऐसे घाय, फिर दी तो इधर आ गए, उसे नहीं खाया। हाँ। नहीं जब तक वो तूड़ी खाल वंडे वाली खत्म नहीं होती तो ये नहीं है, ये खाते पीते रहती है। अच्छा इसलिए मैंने पहले नहीं डाला, जो घास जो बच्चे ज्यादा काट के आ गए बाजरे वाला, बेचारी ढूंढ रही थी खाल नहीं मिल रही। जी जी आज मैं बोल चल। और माशाल्लाह अब मुझे किसी काम से चले गए हैं, वो भी घर पे नहीं है, तो बाकी हम जो है ना आपको पता है अपने काम कर रहे हैं पौधों में। जैसा कि आपको पता है मैं एक अमरूद में जो है पाइप डालता हूँ, उधर से ऐसे क्रॉस करके यहाँ आता है, इधर से ऐसे ये माल्टा आम आम का पौधा फूल होता है, फिर उसके बाद ये एक खद्दा फूल होता है, फिर उसके बाद इधर पहुँच जाता है। ये देखिए ये वाला फूल हो जाएगा ना तो हम उसमें पाइप डालेंगे, उसके बाद इधर डालेंगे ऐसे, फिर वो खुबानी हमारी भी सूख गई है काफ़ी सारी, और बाकी वो बूटी में भी लगाएंगे सारा, ऐसे पानी लगा दिया करेंगे। तो ये ना कुछ देखें, कुछ रंग बदलता है फिर ये सूख जाता है, फिर रंग बदलता है फिर सूख जाता है। ये अभी गर्मियाँ आ रही है ना, वैसे तो ये पत्ते न्यू उठाता है लेकिन गर्मियाँ आ जाती हैं। ये देखें ये सारे सब्ज हुए खड़े। हमें पानी पिलाने आ गई थी, मैं समझा मैंने पानी लगाया, फिर पैप भी वहाँ पर नहीं था, अम्मी भी नहीं थी, तो अचानक पता चला कि पौधे फूल हो गए तो मैं पैप लेके इधर आ गई। अच्छा पानी पिला दूं फिर घास डालूं। हाँ हाँ खाल तो डालनी है, बच्चे नहीं है ऐसे वो नहीं उठा रहे, टप है ना बहुत बड़े वाला। अच्छा तो इसलिए मैं पानी पिला दूं फिर वो आ जाएंगे वापस। वो कहाँ चले गए? चक में चले गए राशन वगैरह लेने, पानी भी भरना था और राशन भी लेना था। बर्फ का भी बोला था, इतनी बर्फ तो इतनी गर्मी है, दरार बोला तो नहीं है तो अच्छा शायद ज्यादा आ गया तो ठीक है, नहीं तो
बराबर लेनी है। सोचेंगे जो देर नाल लेनी होती ना शाम को। हाँ हाँ, अभी वो पानी को ठंडा पड़ा था उधर, तो कुप्पे में जो बच्चा हुआ था उन्हें डाल दिया। ओ वही तो गर्म, मैंने कहा इतना कैसे हो गया, पहले तो ठंडा बच्चा हुआ था। बस वो बच्चा जड़ा है ना वो डाल दिया। अच्छा अच्छा, चलो अब ले आएंगे बर्फ इंशाल्लाह, फिर ठंडा करके पियेंगे। हाँ जी, बस नहीं पीना, बस हो गई। बस थोड़ा थोड़ा पी ले, सुबह को ज्यादा पी ले। हाँ सुबह काफी ज्यादा पी रही थी, तो इस टाइम ना थोड़ा थोड़ा पी जाए। होदी भी फुल है आपकी, पाइप तो चलवा दिया ना, मैं को थोड़ा सा न्यू हो जाए। हाँ हाँ, ऐसे गर्म होता है। ठीक है ठीक है, चलें जी, सबको अम्मी जान पानी पिला लेंगी। हाँ जी, गोश्त काट लिया। हाँ जी, गोश्त काट लिया, पकाने जा रही हो। पकाने जा रही हो ना? मैं सही समझा, इसका मतलब है, इसका मतलब है हमने आज गोश्त बनाना है और VIP बनाना है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो आप जाओ और इसको पकाओ, और बच्चे अभी आ गए हैं हमारे, और क्या क्या लेके आए हैं? वो चीनी पत्ती, वो चीनी और साबुन और पेट्रोल। हाँ जी, ये देखें जी, ये रखे हुए हैं पेट्रोल, चीनी और लैक्स साबुन आज लेके हैं नहाने वाला। ये अभी इनको अंदर रख दो, ये ना हो के इधर कोई चीज फटा दे। ये ले जाओ चीनी और ये अंदर रखो। आ जाओ सेब ले जाओ। पेट्रोल मशीन के लिए लेके आए हो या मोटरसाइकिल के लिए? मशीन में डाल दो। ठीक है साकिब, तार को मत खींचो यार, बड़ा शरारती है बड़ा। किधर यार, बर्फ ले आओ, बर्फ ले आओ, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास वही थे जो दोपहर को दिया था आप लोगों को आम के लिए, और नहीं है। अब्बू कहाँ है? अब्बू के पैसे बच्चे नहीं है आप लोग जो ये राशन लिया। बर्फ ऐसे यासर से ले आते फिर दे आते बाद, देता है हमें कभी नहीं है ना मेरे पास, आज बिल्कुल खाली हो गया हूँ। हाँ जकिया, कपड़े सूख गए? हाँ। अच्छा सारे, सारे। छोटे बड़े? हाँ। अच्छा छोटे बड़े सारे सूख गए। चलो माशाल्लाह, मुबारक हो भी सारे सूख गए। हाँ जी। है ना? हाँ। सारे। अंदर रखो फिर। पहले पे रखा। वो नहीं उतारोगे क्या? अच्छा अच्छा, सही है सही है। और सोबिया जो है ना उधर, वो गोश्त वगैरह जो वाला था ना उसको धो रही है। ये देखें गोश्त को उबाला है। हाँ जी। अच्छा इसको उबाला है, अभी उबाल के ना उसका पानी जरा गिरा के ना फिर धो के साथ थोड़ा फिर बुनाई करेंगे। जी जी, गर्मी देखें आज हवा भी नहीं। आप अपनी चार पाई ना इधर रखें और ना इसका। और पंखी लगा जी जी, सही कहा, वो निकालते हैं अभी क्योंकि व्लॉग भी बनाना है ना अभी, इसलिए सोच विचार में हूँ कि कैसे बनाऊं। व्लॉग बन जाएगा, बन जाएगा ना जब बचेंगे गर्मी से, अभी लोग भी बन जाएगा ना। गर्मियों में खुद मुश्किल हो जाता है। अब मैं ये सब को थाल में डालती हूँ, पतीला वगैरह धोती हूँ। जी जी, धो के तो फिर पकाती हूँ। ठीक है ठीक, मछली होने वाली है अभी जो ना मेरी हांडी अभी नहीं पकी। अच्छा, गर्मी बहुत है, हाथ में धो लूं। ठंडा पानी है? नहीं। हाँ थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा ठंडा है जो जल्दी जल्दी मुंह धोने लगे। और बर्फ माशाल्लाह ले आए हैं, पानी ठंडा पियेंगे। साकिब खान, साकिब जानी, नहा लिया, ठंडे हो गए, हम तो गर्मी में मर रहे हैं यारा। आप तो है वो ठंडे भी हो गए और न्यू कपड़े भी पहन लिए, तीसरा सूट पहन लिया माशाल्लाह। हैं साकिब, कोई काम कर रहे हो? अच्छा हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया कौसर? हाँ, हमने भी जल्दी जल्दी बनाना है फिर व्लॉग बनाएगा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बनाओ, बिस्मिल्लाह करो। अम्मी जान खाल लेके आ चुकी हैं और ये देखें, ये अभी ऐसे ही घास के ऊपर डाल रही हो अम्मी। हाँ जी। खाद खा जाती हैं? हाँ खा जाती है। अच्छा, जैसे ही डालो वैसे ही खा ले। नहीं मैं समझा, शायद वो सिर्फ तोड़ी में खाती होंगी। नहीं
घास पे जाना। हाँ हाँ चलो मौज करो ऐश करो खा रहे हैं। ऐसे ही डालता है जो मांग वाले हैं ना। हाँ हाँ ऐसे डालते हैं घास भी खाते रहते हैं और ये भी घास पे भी वो लग जाती है ना तो सारे घास में जायका ऐसे का होता है। हाँ जी फिर वो खा लेते हैं। पता चल गया रोही में आके रोही में जानवर कैसे पाले जाते हैं। हाँ 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 वो पालते हैं हर साल पाल के बेचते भी हैं बस्ती वाले सब के जानवर हैं इधर जितने भी बस्ती है। हाँ जी अच्छी बात है अल्लाह पाक आपके से को रोजी दे। आमीन। ये जो हलाल माल होता है इससे बरकत होती है। हाँ जी हाँ जी। ओ घास निकालने गए थे उधर हम सही घास निकालने आई थी। अच्छा छोटे छोटे दो बच्चे भी साथ थे। जी जी लेकिन वो बोल रहे थे जो गाँव मैंने पूछा मैं कि वो जो गांव पहले वाली थी अब वही है जा कोई जानवर ज्यादा रखे हैं। हाँ हाँ नहीं बाजी वो भी गांव मर गई एक ता पिछले साल मर गई एक मोण मर गई और दो बच्चे ही आए। अच्छा वो ऐसे जो पहले तो नमी नहीं हुई फिर नमी हुई तो 9 महीने हुए बोले उन बच्चे का पहले दूध बन जाएगा। हाँ हाँ। फिर 9वें महीने नौ बीमार हुई मर गई फिर बिजली फिर वो खड़े 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 कितने साल हो गए धुंधी होगी फिर भी नमी नहीं हुई। अच्छा। फिर जब नमी हुई तो 7 महीने हुए फिर वो मर गई। वो छोटे छोटे बछड़ियाँ लिया है उन बछड़ियाँ पा रही हूँ पता नहीं जो क्या चक्कर है हमारे दूध नसीब में नहीं है शायद यही वजह है। अच्छा तो बोल रही जी हम तुम्हारा ड्रामा देखते थे बेगुनाह अब ड्रामा छोड़ दिया क्या किया उन ड्रामा तो खत्म कर दिया आपने। मैं के व्लॉग नहीं देखती नहीं व्लॉग का पता नहीं है मुझे बेगुनाह ड्रामा है ना ड्रामा चासुदा प्रांत ड्रामा ड्रामा देख मैं के ड्रामा तो छोड़ दिया पांच छह किस्तम बनाया। हाँ। फिर बोला मजा आया था स्टोरी का के जो भी देखते ना सब यही बात करते हैं सारे हम सारे करीबी सारे ड्रामे को सार कोई भी देखता था। हाँ। व्लॉग कोई कोई बंदा देखता है। हाँ। तो ड्रामा जो साहब शौक से देखते थे अभी उन्हें इंतजार ड्रामा नहीं आ रहा मैं क्या करता हूँ आगे बनाया भी नहीं हमारा ड्रामा अधूरा रह गया अधूरा रह गया हमने आगे नहीं बनाया वाले को मजा भी नहीं आया। हाँ जी चलो क्यों रोक दिया जो बेहतरीन मजा आंदा देखा ना क्यों छोड़ दिया बनाओ आना आगे। हाँ क्योंकि अब नहीं बनता टाइम लगता है हम मसरूफियत में है। चलो हाँ यार कोई गायों का पता है गया है, पता नहीं। आप लोग भी पता करते हैं आई है नहीं आई ऐसे परेशानी बनी हुई है शाम हो गई है दूध के लिए जो है ना साके भी रोता है फिर नहीं परेशानी आज परेशानी बनी हुई है नहीं है परेशानी सीधा सच्ची बोला करो ऊंचा बोला करो साक यो हसीब बन के बोला करो बाबू और कैसे बोलो ऐसे बोलते हो जैसे वो रो रहे होते हैं कोई यार जवान बनो मर्द बनो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करो सबको हंसाओ कि हम भी माशाल्लाह लड़के अच्छे हैं हम भी बातें करने वाले हैं अच्छा इखलाक प्यार है हमारी फैमिली के साथ हमारा हम सबकी इज्जत करते हैं मुच्छों को वाट देते हैं देखो मुच्छें बड़ी रखते हैं बलोच हैं हम कौन है हाँ जी मोटरसाइकिल भगाते हैं नहीं भगाते सच कामरान ये नहीं भगाते नहीं ये भगाता है कुड़ी पे काम भगाता है ये ज्यादा भगाता है अब इसका भूत आ गई है नहीं मैं नहीं भगाता यार आपकी टांगे गली हुई है अभी भी देखो आपको इतना नहीं हया आता टूट गई सारी आप ऐसा चलाया करो यार मेहरबानी करो जिंद जिंदगी से कुछ प्यारा नहीं है जिंदगी प्यारी होती है इंसान को अगर अगर खुदा ना करे आपको कोई भी जिस्म में तकलीफ आ जाए कोई टांग की कोई बाजू की सारी जिंदगी किसके मोहताज बने रहोगे पता नहीं कोई किसी का नहीं होता
इसलिए ना एहतियात करो। आप अगर 2 मिनट लेट पहुंचते हो ना चक में, कोई मसला नहीं है। कामरान बेचारा ऐसा ऐसा चलाता है डर डर के, वो सही चलाता है। मैं भी ऐसे चलाता था कामरान की तरह, इरफान भगाता था। आज मैं ऐसा चला रहा था, कहता है वो जैसे चलाते बुदले चलाते ऐसे चलाते सही है कामरान, मैं भी ऐसे चलाता था, आपको पता है ना मेरा। मैंने कहा जो आराम से चलाए वो ज़्यादा बुरा होता है, कहता है ये कहते हैं हम जवान बनते हैं, जवान का पता लगता है जैसे गिरे हैं, दोनों गिरे हुए हैं। आप कभी गिरे हो? नहीं, इन्होंने गिराया मुझे। इन्होंने गिराया ना, यानी कि मैं भी अपने बस एक दफ़ा ईद पे जा रहा था, वैसे बाइक भगा के मैं भी उस दिन स्लिप हुआ था। उस दिन से फिर मैं नहीं स्पीड से चलाता, मैं तो ऐसा चलाता हूँ गिरता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम कहाँ से गिरते हैं, कभी कभी बस ये इरफान था ना, इरफान ये भी दांत तुड़वा लाता था जब भी ये भगाता था पक्की रोड पे, तो कहीं ना कहीं ठोकता तो था। पक्की पर भगाता है, हम तो रेत में भगाते। रेत में जब ये पक्की पे हम दादों की तरह जाते हैं। दादों की तरह पक्की पर ही भगा रहा था, रेत में अल्लाह का और पक्की पर है। यार ना भगाए कर यार, वास्ता है तुम्हारी जिंदगी का, कुछ नहीं होता। कोई लड़के भी नहीं देगा, मेरी बात सुनो, कोई लड़के भी नहीं देगा। फिर ना दे, हमें कौन सा चाहिए। वो कहेंगे कि ये देखें, ये किसी काम का नहीं है, इसको ये धक लगे हुए हैं, ये बाजू नहीं है, ये टांग नहीं है, ऐसे कहते होंगे फिर। इसलिए अच्छा है जिंदगी बचाओ, अपनी हिफाजत खुद करो, अपनी केयर करो। कुछ नहीं होता अच्छा। ऐसे बातें करते हैं यार, कोई शर्म करो, कोई शर्म करो, बोल दो हाँ ऐसा चलाऊंगा। इरफान भी ऐसा कहता था, इरफान कहता था मुझसे ऐसा चलाया नहीं जाता। अब उसी से पूछ लो कि कैसे चलाता है वो। अगर कोई थोड़ी सी रेत आ जाए ना, बिल्कुल रोक देता है, फिर आगे जाता है। यानी कि आपने उसको देखा था ना कैसे भगाता था। अब वो जहाँ रेत जो ज्यादा आ जाए वहाँ रोक लेता है, फिर ऐसा ऐसा आगे जाता है। अब सड़क पे भी वो नहीं भगाता। आपको भी ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसा चलाएं, हम गियर थोड़ा कम लगाएं। हाँ चलाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। गुड हो गया, मान गए मेरी बात। कल कमरान आपने बताना है ये कैसे चलाता है। माशाल्लाह जकिया, बिस्तरे उठा रही हो? इस्तियाना ने सारे नहीं उठाए थे? नहीं। क्यों? इस्तियाना के उठाए थक गई। एक दो बिस्तर उठा के थक गई? हाँ जी। नहीं, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके साथ ज्यादती कर ली। ये तो उसका काम है, ये तो उसके जिम्मे लगाया है। अच्छा अच्छा, हाँ निकाल लो। और जालियाँ भी निकालती हो? हाँ जी। जालियाँ भी लगाते हैं ना? हाँ। कौन कौन लगाता है? मैं लगाती हूँ, अम्मा लगाती है, इस्तियाना और समिया, अब्बू भी, सिर्फ इरफान, कौसर, सोबिया, हाँ। फरमान, हाँ। कामरान, हसीब, मुनीब नहीं लगाते। हाँ जी। क्यों, इनको मच्छर नहीं काटते? नहीं लगाते कहने उनको भी तो मच्छर काटते होंगे ना। तो फिर हम पंखे चलाते हैं, पंखे। हाँ। समझ आ गई? हाँ जी। हम पंखे चलाते हैं तो हवा जो आती है ना, तो मच्छर नहीं आते उससे। हाँ जी। तो सब पंखे चलाते हाँ हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये काम अपना कर लो, इसके अलावा और भी जो काम हो आपके, अपने टाइम से कर लिया करो, सुबह वाला हो, शाम वाला हो, दोपहर वाला हो, जो भी काम हो ना अपना जल्दी जल्दी समेट लिया करो। हाँ, ताकि फिर बाद में टेंशन ना बने। नहीं, मैं सवेरे पियक्का कार गिरने, सुबह भी बर्तन धो लेती हो ना। हाँ। शाम वाले भी धो लेती हो ना, लेकिन शाम वाले आप ओ रात के टाइम धो रही होती हो, वो जल्दी क्यों नहीं धोती? अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है ठीक है। ये देखें जी, गायें हमारी आ चुकी हैं। ढको ढको पुत्र, ढको इनको, शाबाश है, ढक दो। ये चार के आई हैं, इनको पानी पिलाओ और ढको। ओ बब्बी, क्या हाल है, होशवदी?
कोई टेंशन परेशान तो का नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह, गमियां कहाँ जाती रहती हैं? जंगल में? तालाब पे जाती हैं। तालाब पे पहुंच जाती हैं? तालाब तो यार बहुत दूर है, वो एक नंबर कोठी के आगे। फिर वो कौन सा दूर है? एक नंबर, मैं एक दफा बाइक पे गया था, एक नंबर कोठी भी गुजरा था। तो बड़ा दूर सफर है, बड़ा दूर सफर है। हम जब पैदल जाते हैं हमें तो कोई नहीं लगता। आप पहुंच जाते हो वहाँ? कभी कभी साथ जाते हैं ना। आपका सफर देखा हुआ है ना? असल में मैं दोबारा गया ही नहीं, मैं भूल गया हूँ। तुम बल्ले मारो। वो जब हम उधर बैठे थे ना, वो पुराने कच्चे कमरे में, जब हम कच्चे कमरे में बैठे थे ना, उस दिन हम गए थे। फिर उस दिन से आप देखो कितना वक्त गुजर गया। चलो गाय बांधो, चलो गाय बांधो। अभी आई है जी, दूध वाली भी है, ये देखें। हाँ, गोश्त की भुनाई हो गई? नहीं, अभी जो है ना थोड़ी सी भुनाई करके उसमें पानी डाला है। मैंने कहा थोड़ा वो पानी जो है ना उसमें कुछ वो बन जाए और भुनाई करो अच्छे से। अच्छा अच्छा, गर्मी बहुत थी, मैंने कहा थोड़ी हवा लगवा लो। मैंने पक्षी अभी तक भी नहीं निकाली। आपको बोला भी था, आपने पंखी नहीं निकाला। मैं ना आपको पता है वीडियो बनाने में इधर उधर उधर मसरूफ, आना जाना, फिर ना पता भी नहीं चलता। अच्छा, अम्मी जान के परेशान बैठे हैं। अम्मी? हाँ, वो देखते हैं। चलो पूछते हैं। ओ समिया तो खेल रही है, अम्मी परेशान बैठी हैं। ओ समिया क्या है, हैं? क्या बात है अम्मी जाना, परेशान क्यों है समिया को देखकर? बस बेटा ही परेशानी है, समिया को देखकर मुझे परेशानी हो गई। बता क्यों, कितना शादियाँ हैं, खुशियाँ हैं, अपनियाँ क्या है ना। हाँ, मैं सोच रही हूँ अगर समय चल फिर सकती तो वो भी हमारे साथ चलती शादी पर। जिधर भी जाते हैं पूरी फैमिली जाते हैं, समय अकेली घर में कली होती है। नहीं बोलते हैं बच्चों को, जाओ आप रोज खाना खा के वापस आओ, समय के साथ बैठो फिर हम जाएंगे, ऐसा ही करते हैं। बस देख के मुझे दुख लगा, जो इन्हीं की वजह से मैं भी अपने बहन भाई सब छोड़े। सुबह ना देखे मेरी बहन निकाल ही मुझे बुला रही थी, तो मैंने कहा मैं समिया को छोड़ के नहीं आ सकती। आप रोए नहीं है मेजन, बस अल्लाह पाक कह देने हैं। करीब नहीं है, चलो बंदा को व्हील चेयर पर या कोई सवारी पे ले जाते, दूर सफ़र है, बहन भाई सब पर रहे हैं, तो कैसे को ले कर भी जाए। हाँ, लेके जा भी नहीं सकते। नहीं नहीं अम्मी जान, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अम्मी मात रहे हैं, हमें भी फिर दुख होता है ना, आप जब रोती हैं चुप करें, ये दुख भी अल्लाह पाक देता है और सुख भी अल्लाह पाक देता है। इसके आना चलो बोलती नहीं है, चल फिर सकती है। चलो जिधर भी कोई जाता है ना, वो पहले तैयारी कर लेती है, मैं भी साथ चलता है। अगर सभी यहाँ चल जाती तो वे भी हमारे साथ चलती। अम्मी बस करें, अम्मी करें, अम्मी बस करें, मत रहे। हमें देखें, अल्लाह ने ऐसे बनाया है, अल्लाह सब कुछ दे रहा है, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। देखना आप मत रहे, देखें आपको देख के सोबिया भी रो पड़ी। हमें खाने पीने की तो कमी नहीं, मैं अगर शादी पर जाऊँ मैं उन्हें खुद बोल देती हूँ, मैं मुझे खाना दो भावे ना, जो मेरी बेटी के लिए खाना दे दो, मैं देख खाना भी लेके आती हूँ शादी पे। मगर यही बात अगर दाम सोच है, अगर चल सकती तो हमारे साथ खुशी में शामिल होती, अकेली बेचारी घर चुपचाप बैठी रहती है। देखो समिया अम्मी रो रही है, चुप कराओ, चलो अम्मी को चुप कराओ। वो खुद परेशान हो गई अम्मी, मत रो। समिया भी कहती है कि अम्मी क्यों रो रही है, चुप करो। अचानक देखें, हाँ बात तो अम्मी की ठीक है काफी हद तक। ये देखें ना, बहन भाई बोलते हैं कि व्हील चेयर भी ले जाए, समिया को भी ले जाए, लेकिन अपना घर अपना होता है, लेकिन कोई अपने घर जो है ना, ये जो है ना आप सबको पता है कि पेशाब जो है ना कपड़ों में करती है, और बताती तो नहीं है ना। हाँ, कौन अपने बिस्तरे जो है ना खराब करवाएगा, कौन चारपाया देगा, इसी तरह फिर लोग जो है ना मुँह पर तो कुछ नहीं कहते, दिल में जो है ना वो बातें सुनाते रहते हैं। बस किस्मत में ऐसा ही लिखा था हमारी। अगर फिर भी जाना चाहे ना समिया को ले जाके, किराए का बंदोबस्त हो जाए गाड़ी किराए के लिए, जैसे कार वगैरह होती है, तो आप वहाँ जाके, आपकी तो बहनें हैं, वो तो नहीं इतराज़ करेंगी ना।
तो एंजॉय करें। सर जो मजबूरी बताई ना उसे फिर मान के होते कोई गल नहीं, समझा कि मजबूरी है मजबूर है जो कुछ बोल भी नहीं सकते, कोई चीज़ उठा के खा भी नहीं सकते, तेरी मजबूरी है तो कोई बात नहीं, बाकी जो ठीक है उन्हों को तो भेज दे। हाँ हाँ, क्योंकि जो ठीक है देखे हम सब खुशी से जा रहे हैं, हमारी तैयारियां भी हैं। सारे बात कर रहे थे तुम्हारी खाला तुम्हारे मसाज सब बातें कर रहे थे के आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप ना पहले भी नहीं आई शादी, शादी पर नहीं आई। हाँ हूँ हमारी शादी पर नहीं आएगी तो लगता है तू कभी सारी शादी। हाँ जी तंदूर जल गया। हाँ जी चलो रोटी पकाओ। अभी आटा ले हाँ जी हाँ जी। पर देखें अचानक से जो है ना परेशानी बनेगी। हाँ जी दुख तो होता है ना, अल्लाह पाक खैर करे सब इन भी दुआ करें। हाँ जी हाँ जी, क्या काश हमारी समिया भी ठीक हो जाए और वो भी चलने फिरने वाली हो जाए तो अम्मी भी हमारी परेशान ना हो रोए ना, एक दिन अल्लाह पाक से जरूर सेहत देगा हमें यकीन है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना, क्योंकि सब बहन भाई दुआएं करते अल्लाह पाक ना किसी ना किसी की दुआएं तो सुन लेगा। हाँ जी दुआ तो कबूल होगी ना। जी जी जरूर सुनता है अल्लाह पाक, हर किसी की सुनता है जी। अल्लाह उन्हीं की सुनता है समिया इस्तियाना की। गर्मी इतना गर्मी में पंखी लगाए मैंने हवा लगवानी, इतना चक्कर आ रहा है मुझे। चलो मैं कुछ करता हूँ, कुछ हवा भी नहीं आती यार, देखिए ये सारा बंद हो गया ऊपर से बड़ोले खड़े हुए दामू वाले, कहीं से हवा नहीं आ रही। नहीं इधर से खिड़की रख लेते नहीं आती, इधर से खिड़की हो जाती ना तो हवा आती रहती है सारी, यानी कि क्रॉसिंग जो होती है हवा वो इधर से आती और ऐसे जाती, उस उधर से अगर चल रही होती तो उधर से आती ऐसे बाहर, उधर से आती तो इधर से आग नहीं। हाँ आग की तो वजह है लेकिन क्या करें, बारिश हो हवा हो हम यही पका लेते हैं क्योंकि हवा नहीं लगती ना। हाँ हाँ चारों तरफ तो बंद है अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक सिर्फ डोर रखा हुआ है बस। पतीला गिरने वाला है आपका। ठीक है हाँ अब ठीक है, अभी भुनाई हो रही है जी गोश्त की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा टेस्टी है, इंशाल्लाह मजा आएगा खाने में। हाँ जी मैंने कहा अच्छे से बनाई करके ना थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसमें गल जाए। हाँ हाँ आप कोई मशवरा दो, ऐसा क्या करें जो अम्मी भी ना परेशान हो और समिया भी। मैं तो कहती हूँ अम्मी जान को भी और सुमिया को भी वहीं भेज देते हैं, अमी को शादी खाएंगे खुश हो जाएगी सुमिया। अच्छा और हम जाना ये पे घर पे जो साथ और शादियाँ वो अटेंड कर लेंगे, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। उधर से ना वो खाला और उसके बेटे ना सब अम्मी को बार बार यही कह रहे थे आज सुबह। हाँ। कि आप लोग ना आप कभी भी खाला हमारी शादी पे नहीं आती, हमारी बहन की शादी हुई थी नहीं आई। हाँ तो हम दोनों घर पर खा जाएंगे ना और सब चले जाएंगे, देखेंगे कुछ मशवरा करते हैं देखो क्या प्रोग्राम बनते हैं। लेकिन ये बात भी अम्मी नहीं मानेगी, अम्मी कहेगी नहीं आप लोगों की तैयारी है आपने शॉप में की। ये देखना फिर मुश्किल बन जाएगी क्योंकि वहाँ पे जाना बंदे बहुत ज़्यादा होंगे और सुनिया। हाँ सुनिया को चलो देखेंगे क्या करना है, अम्मी अल्लाह करेगा अच्छा मशवरा देगी। अबू आ जाए ना फिर ही ये सलाह बन सकती है। चलो आप इस्तियाना भूख लगी हुई है, चलो इस्तियाना को भूख लगी हुई है, आप ये गोश्त जल्दी पका लो और हमें खिला दो, हम पंखी आपके लिए निकाल रहे हैं। इस्तियाना गर्मी हो गई है, चलो पंखे निकालते हैं, चलाते हैं, बैठते हैं, ऐश करते हैं।